कुछ महीना दो तीन महीना से हम लोग का चापाकल खराब है, चैन टूट गया है, चैन बनवाने भी बोले हम लोग यहाँ का पदाधिकारी से, तो वो लोग भी ध्यान नहीं दिया है, तो कड़ी मतलब लगाकर लोहा का कड़ी बनाए हैं, बनवाए हैं सब यहाँ का जो जो जिसका जिसका ज़रूरत है पानी का वो सब बनवाई है, और वही पानी भर कर किसी तरह से कड़ी लगाकर पानी भर के हम लोग पानी की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। सभी जगह हम लोग बोले लेकिन पानी का कोई ऐसा है हम लोग का उपाय नहीं हो रहा है, यहाँ तक इलेक्शन होता है बड़ा बड़ा नेता लोग आता है बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पानी के लिए भी हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो गया था, अभी बन गया तो भी ठीक है, मंजूरी बतलाई थी जैसा वैसा मतलब जल्द से गया, फिर हम लोग बहुत दौड़ भाग करने के बाद फिर बनाया चक्का कर चलो तो ठीक है, इसलिए मंजूरी को हम तो धन्यवाद ही देना चाहेंगे कि इसे हम लोग का थोड़ा सा घर का पानी का सुविधा हम लोग को हुआ, जिससे हम लोग पानी के लिए हर नहाना धोना हर चीज़ के लिए पानी नहीं रहने से घर में कुछ नहीं होता है, जानते ही हैं। अब अभी आप लोग सब खुश हैं पानी चापाकल से? वो तो है, लीजिए पानी रहने पर कौन नहीं हो, हम लोग को इतना दूर से लाना पड़ता था, दूसरे टोला से जाकर बोल के बोली बात सुन कर लाना पड़ता था, खुशी ना रहेंगे हम सबको अपना आराम से पानी जो सुविधा है। धोबी टोला का चापाकल बन जाने से यहाँ के लोग अब बहुत ही खुश हैं, यहाँ पर करीब 200 परिवार वाले इस चापाकल में पानी भरते हैं और इनको बहुत ही खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के कन्या अभंता बी डी शास्त्री जी को, जिन्होंने अपनी नज़रों में रखते हुए इस चापाकल को बनवाया, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जल सहैया को जिन्होंने अब इस चापाकल को बनाने में सहयोग किया। मैं मंजू राज गोमिया प्रखंड जिला बोकारो झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।